देखिए, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है उसको दबाने की कोशिश की जा रही। जो एक आवाज़ उभरी थी, जो डेवलपमेंट की आवाज़, जो विकास की आवाज़, आज पूरे जम्मू कश्मीर में हर गांव हर देहात में विकास हो रहा था। कुछ लोगों को, कुछ ताकतों को ये विकास और ये अमन जो यहाँ है, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए विद इन 48 घंटे के अंदर अंदर एक ही एरिया में दो सरपंच को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। आरिफ साहब कुछ किस्मत थे, वो बच गए और आज सज्जाद साहब ने शहादत दी है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, मेरी गवर्नमेंट से ये डिमांड है, विद इन 48 आवर्स एक ही एरिया में दो अटैक होते हैं। मुझे बताइए जनाब, आप लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं आपने उन लोगों को सेफ्टी दी, सिक्योरिटी दी, जो उस एरिया के 5000 सरपंच है, क्यों नहीं उनको सेफ प्लेस पे आपने पहुंचा दीजिए? मैं डीजी साहब से अपील करता हूं। देखिए, लॉन्ग पेंडिंग जो हमारी मांग है कि जो डेमोक्रेसी के बेसिक जो सोल्जर्स है उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। ये मेरी आपकी वसादत से मैं डीजी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ।